अब जो बात हम लोग करनी है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस में भी देयर इन द केस ऑफ द मेल और इट में भी देयर इन द केस ऑफ द फीमेल। अगर ये मेल के केस में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ह्यूमन बींग्स में इस पर मैटोजेनेसिस, और अगर ये फीमेल में है तो इसे कहेंगे ओजेनेसिस। So when we talk about the gametogenesis, gametogenesis is the process of the formation of the gametes and it takes place in the male and the female. In case of male, it is called as spermatogenesis. In the case of the female, it is called as oogenesis. ये दोनों अगल-बगल इसलिए बनाए हैं because the basic process is same. तो इसलिए हमने अलग-अलग बनाया, इसमें ये जो पहली layer है, this is here. In the case of male, it is called as हम लोगों ने बात की थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग, जिसे हम लोगों ने नाम दिया जर्मिनल एपिथेली। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पड़ी थी उसकी पेरिफेरल लाइनिंग जहां पे सेल्स और सर्टोली लगे थे उस एरिया को हमने कहा जर्मिनल एपिथेलियम, और वैसे यहां भी होगी जर्मिनल एपिथेलियम, यहां भी जर्मिनल एपिथेलियम थे, ये जर्मिनल एपिथेलियम क्लियर होगी। जो ये सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे जो सेल्स बनते हैं दीस सेल्स डिवाइड रैपिडली फॉर्मिंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स, और ये सेल्स जो बनते हैं वो ये सब यहां एक्युमुलेट होते जाते हैं। और वैसे यहां भी लाखों सेल बने थे, बाद में हजारों रह गए थे। ये सेल्स तो इनको हम ये वाले सेल जो होते हैं इनको हम नाम देंगे ओसाइट, मदर सेल, और ये लेयर कहलाएगी जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम तो जर्मिनल एपिथेलियम ये है और जर्मिनल एपिथेलियम ये है, इससे बने यहां पर ओसाइट मदर सेल और यहां पर बने स्पर्मेटोसाइट मदर सेल, स्पर्म मेटोसाइट मदर सेल, और इनको स्पर्म मदर सेल ओसाइट मदर सेल भी स्पर्म मदर सेल। ये वाले सेल्स स्पर्म मदर सेल कहलाएंगे जिनसे स्पर्म बनने, और इनको कहेंगे ओसाइट मदर सेल। आउट ऑफ दीस अब जो स्टेजेस आती हैं, आउट अब हम इनमें से एक सेल की बात करेंगे। आउट ऑफ दीस वन सेल हियर विल ग्रो इन साइज एंड वन सेल हियर विल ग्रो इन साइज एंड इट विल गो फॉर द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। ये मैच्योर करेंगे यानी इनमें होगा मैच्योरेशन फेज और ग्रोथ फेज। मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज इसमें भी होगा, मैच्योरेशन फेज इसमें भी होगा, और मैच्योरेशन फेज होके पहली वाली फेज जो थी ये पहले जिसमें ढेर सारे सेल बने थे इसको मल्टीप्लिकेशन फेज भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, द नंबर इंक्रीजेस अ लॉट। तो इस वाली फेज में क्या हुआ, इसके पहले की फेज जो थी उसको हम कहें तो ये कह सकते हैं इट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज किए थे और उसके बाद ये सेल बन गए मैच्योरेशन फेज में। अब ये मैच्योरेशन फेज में जब सेल ग्रो करेगा तो ग्रो करके मैक्सिमम साइज अटेन करेगा, और ये भी सेल्स मैक्सिमम साइज अटेन करेगा, साइज में बड़े हो जाएंगे, और इनको नाम देंगे हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी ओसाइट। तो ये जो प्राइमरी ओसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बने ये बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इधर बना प्राइमरी ओसाइट। ये प्राइमरी ओसाइट बन गया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब पहली बार मियोटिक डिवीजन होने जा रहा है, अभी तक मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ था, तो अब इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से क्या होगा कि ये सेल टूटेगा, और टूटने में एक जो स्पेशल फीचर होता है वो ये
it will divide in two unequal sizes. One of the cell is very small and another cell is very large. अभी हम लोग बात कर चुके हैं बारे में, और इधर क्या हुआ, ये सेल जब डिवाइड किया तो ये इक्वल साइज में डिवाइड किया, और इक्वल साइज में डिवाइड होकर के ये दो एक साइज के सेल बने। ठीक, ये हुआ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और इसे फर्स्ट मियोसिस कहेंगे हम लोग। ये इसमें क्या हुआ, जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया तो यहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना था, 2x, अब यहां कितना बचा, x, ये 2x था, और यहां कितना बचा, x। इसके बाद अब इसके बाद क्या हुआ, फिर मैच्यूरेशन होगा, इसके बाद एक मैच्यूरेशन फेज और होगी, और इस मैच्यूरेशन फेज के बाद क्या होगा, ये सेल्स ग्रो करके फिर एनलार्ज करेंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे साइज में, दी सेल्स विल ग्रो इन साइज फॉर्मिंग रिलेटिवली लार्जर सेल। तो ये तो इसका तो फ्यूचर कोई खास नहीं होना, ये ग्रो करे ना करे हम इसी में कंसंट्रेट करेंगे। ये सेल इसको थोड़ा छोटा कर दे तो ठीक रहेगा डायग्राम बनाने में, ये सेल ये था और ये ग्रो करके ये हो गया। ठीक है, तो ये मैच्यूरेशन फेज हुआ, यानी फिर मैच्यूरेशन डिवीजन प्रोसेस हुई। मैच्यूरेशन का मतलब क्या हुआ, इन्होंने फिर नरिशमेंट एक्युमुलेट किया और साइज में ग्रो किया, और ग्रो करके जब मैच्योर कर गए, इसके बाद अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है वो होगा। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में क्या होगा कि ये जब ओव्यूलेशन होगा तो वो इसी स्टेज में हो जाएगा, ओव्यूलेशन इसी स्टेज में हो जाएगा। इसके बाद जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो फिर दो अनइक्वल सेल्स बनेंगे, एक सेल ये जो कि रिलेटिवली लार्ज साइज का होगा, और एक सेल ये जो कि छोटा होगा, और ये होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद। ये कब हुआ था, जब स्पर्म कॉन्टेक्ट में आ गया था तब ये वाला डिवीजन हुआ था, उसके पहले नहीं हुआ था। और ये वाली सेल जो थी ये भी दोबारा डिवाइड कर जाएगी, तो इस तरह से टोटल पोलर बॉडी जो बनी है, ये हो गया पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, और ये जो है ये हो गया मैच्योर ओवम। और इधर क्या हुआ, ये सेल जो है ये डिवाइड किया तो इससे फिर दो इक्वल साइज के सेल बने, और ये सेल जो बने, यानी अब की बार पहले वाले में से इसमें डिफरेंस क्या है, वहां पर हर बार सेल अनइक्वल डिवीजन हो रहा, बट हियर द डिवीजन इज इक्वल एंड दैट्स व्हाई द सेल्स ऑफ द सेम, द सेल्स ऑफ द सेम साइज आर बीइंग फॉर्म, तो सेम साइज के सेल्स बन रहे हैं। और ये जो स्टेज थी इसको हमने कहा था सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी सेकेंडरी ओसाइट, और इसको कहा था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे। अब इनमें जो स्ट्रक्चर बने, ये बने स्पर्मेटोसाइट्स, ये बने इस पर मेटोसाइट, वहां तो बात खत्म हो गई, यहां पे अभी आगे प्रोसेस होनी है। अब ये सेल जो है ये इलोंगेट करते हैं, थोड़े थोड़े इलोंगेट करके ये इस शेप के हो जाते हैं, लाइक दिस। और ये जो स्टेजेस है इन्हें कहते हैं स्पर्मेटिक, यानी वही सेल है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, खाली फर्क इतना हुआ है कि ये एलोंगेट कर गए हैं, थोड़े लंबे लंबे हो गए सेल्स। ठीक, जैसे आप खाना बनाते समय पहले गोल लोई बनाते हैं, उसको जरूरत पड़े थोड़ा सा प्रेस करके लंबा कर देते हैं, तो वही चीज यहाँ हो गई, सेम सेल है, कुछ फर्क नहीं हुआ, खाली उसका शेप चेंज हुआ, एलोंगेटेड हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इनमें एक प्रोसेस होती है एंड दिस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। ये चीज ओवम में नहीं होती, खाली स्पर्म में होती है। मेटामॉर्फोसिस बायोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं, दैट मींस चेंज इन मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर में चेंज होना, और स्ट्रक्चर में चेंज होने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, दिस इज एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर। ये स्टेज हुई
इस स्टेज को हम लोग नाम देते हैं मेटा मॉर्फोसिस। और मेटा मॉर्फोसिस के बाद जो चीज बनी दैट इज एक्चुअली स्पर्म। ये स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, तो ये हो गया स्पर्म्स। तो इस तरीके से यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ले यहां से लेकर के और यहां तक की प्रोसेस को, ये पूरी प्रोसेस को कहलाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है कहां से, यहां से लेकर के और यहां तक। दिस इज नेम्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। एक वर्ड हुआ, एक वर्ड यूज करते हैं जब यहां से लेकर के और ये स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है, ये वाली, यानी कि इससे ये बनना, इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, यानी जिसे मेटामॉर्फोसिस हमने कहा है। इट कैन बी आल्सो नेम्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस, इसे हम नाम देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और ये जो स्पर्मेटिक परत है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे स्पर्मेटिक हमने कहा है। तो स्पर्मेट यहां से लेके यहां तक की जो प्रोसेस है, ये इसे कहा जाता है, यानी ये प्रोसेस जो है, ये दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटियोलियोसिस। स्पर्मेटियोलियोसिस, स्पर्मेटियोलियोसिस में क्या हुआ, स्पर्मेटिक बनने तक का जो स्टेज है, यहां तक का स्टेज वो हमें इंक्लूड करते हैं, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्मेटिक बनने तक की प्रोसेस को हमने कहा स्पर्मेटियोलियोसिस। और ये वाली प्रोसेस का है स्पर्मियोजेनेसिस, और इन सबको मिला के हमने कहा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जनरल एपिथेलियम से लेकर स्पर्म बनने तक की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्मेटिक बनने तक की प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटियोलियोसिस कहते हैं, एंड फ्रॉम स्पर्मेटिक्स टू स्पर्म ये प्रोसेस कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरीके से तीन टर्म्स हैं जो कि कभी कभी कंफ्यूज करा देते हैं, पूछे कम जाते हैं मगर जब भी पूछे जाते हैं तो कंफ्यूज कराते हैं। स्पर्मेटिडोजेनेसिस कहें या स्पर्मेटियोलियोसिस कहें, ये इसको एक नाम और देखते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटिक से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्मेटिक बनने तक की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं, और इसके बाद इसकी मेटामॉर्फोसिस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और इस तरह से टोटल प्रोसेस जो है ये डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग में स्पर्मेटोजेनेसिस में, इन द केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ऑल द सेल्स व्हिच आर फॉर्मड आर ऑफ इक्वल साइज, एंड दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट हेयर इन दिस केस इज ऑलवेज in the ratio of the resultant in the case of the spermatogenesis is always 1:4। एक सेल से चार सेल बने, ये एक सेल थी जिससे चार सेल बने, क्या? और यहां पर क्या होता है, ये रेशियो होता है 1:1, यानी कि मैच्योर होम तो एक ही बना ना, तो यहां पर 1:1 का रेशियो होता है यूजेनेसिस में। और फीमेल गैमेट बनने में हमेशा रेशियो 1:1 होता है मेल गैमेट बनने या स्पर्मेटोजेनेसिस होने में, या अगर मेल मान लीजिए पौधों की बात हो रही होती तो पॉलिनेट बनने में ये रेशियो 1:4 होता, और अगर हम प्लांट की बात कर रहे होते तो ओवम प्लांट ओव्यूल बनने में ये रेशियो 1:1 का होता। एक सवाल बड़ा मशहूर है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ द 100 सीड्स, ये शायद हम पहले कभी पूछ चुके हैं, हम नहीं कह सकते आप मालूम नहीं, हमें याद नहीं कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ द 100 सीड्स हाउ मेनी डिविजन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द 100 सीड्स। 100 का रेशियो देखिए बायोलॉजिकली लगाएंगे तो बायोलॉजी में तो 2, 4, 8, 16, 32 का रेशियो आता है, तो यहाँ वो नियम तो लागू नहीं होगा। यहाँ सिंपल सा सवाल है, 100 सीड बनने के लिए कुल कितने डिविजन रिक्वायर्ड है, 125। देखिए 100 सीड बनाने हैं या 100 एम्ब्रियो बनाने हैं, मान लिया कहें 100 एम्ब्रियो बनाने हैं, 100 एम्ब्रियो बनाने हैं चाहे वो प्लांट के हो चाहे एनिमल के, तो मेल फीमेल गैमेट में तो 1:1 के रेशियो बनते हैं। तो अगर 100 सीड या 100 एम्ब्रियो बनाने हैं तो 1:1 के रेशियो में हमको 100 डिवीजन कराने पड़ेंगे,
क्योंकि एक बार में एक ही ओवम बनेगा तो 100 बने, 100 सेल से 100 ओवम बनेगा, 100 डिवीजन से ये होगा, क्लियर। यहां तो चार गुने हो जाते हैं ना, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 100 हो गए, तो टोटल आपका आएगा 125। तो 125 डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द 100 सीड्स। हम सीड की बात कर रहे हैं, ये एम्ब्रियो की बात हो सकती है, कहीं भी जब जायगोट बन रहा है तो 100 जायगोट की फॉर्मेशन के लिए व्हाट वी नीड कि यहां पर 100 तो वो बने फीमेल, और मेल जो बने वो बने 4 × 25, तो ये जो टोटल नंबर हो गया ये 125 हो गया, क्योंकि यहां 1:4 में बनना, वहां 1:7 बनना, तो बड़ा टिपिकल सवाल है, सिंपल सी बात है, वन ये रेशियो जो आएगा इट विल बी 125। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड जेनेसिस। और यहां पे जो खास बात है वो ये बात यहां पे है कि यहां पे प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल नहीं है, यहां पर प्रोटोप्लाज्म है, ठीक। तो अच्छा, नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे मेसोसाइटल की, ठीक है।